नमस्कार। आज बेसन का हलवा बनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। बेसन का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले बेसन लिया मैंने 200 ग्राम और बेसन को छलनी से पहले छान लें, उसके बाद में यूज़ करें। चीनी 100 ग्राम या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बारीक कटे हुए बादाम लगभग 2-3 चम्मच, आधा चम्मच इलायची पाउडर, 2-3 चम्मच बारीक कटा हुआ पिस्ता, ड्राई फ्रूट आप कोई भी ले सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। सूजी है लगभग 2 चम्मच, और अगर आप सूजी यूज़ नहीं करना चाहते तो बेसन थोड़ा सा मोटा लें, दानेदार बेसन आता है लड्डू बनाने के लिए वो बेसन यूज़ करें। यहाँ पे मेरे पास पतला बेसन है बारीक वाला, तो मैं सूजी यूज़ करूँगी, 2 चम्मच सूजी। देसी घी 100 ग्राम, जितना आपका बेसन है उसका आधा हमारा घी लगेगा। 1 कप दूध, कोई भी दूध आप ले सकते हैं, फुल क्रीम या टोंड मिल्क, और जितना आपका बेसन है उसी हिसाब से उतना ही आप दूध ले लें, या दूध की जगह पे पानी यूज़ कर सकते हैं। दूध उबल चुका है, गैस को बंद करेंगे और इसको साइड पे रख लेंगे ढक के। गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई रखेंगे। यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई ली है क्योंकि बेसन बहुत जल्दी चिपक जाता है, तो अच्छा होगा कि नॉनस्टिक कढ़ाई आप लें। और नॉनस्टिक कढ़ाई नहीं है तो 1-2 चम्मच घी आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। इसके बाद में जैसे ही थोड़ा सा हमारा घी गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे बेसन, और साथ में ही डालेंगे सूजी। और इसको अच्छे से अब भूनना है लगातार चलाते हुए। इसको बराबर चलाते रहें, और जैसे ही अगर आपको लगे कि नीचे थोड़ा बहुत लग रहा है तो गैस को एकदम कम करें और भूनते रहें। चलिए बेसन हमारा भून चुका है, अच्छी सी खुशबू इसमें से आ रही है, और करछी अगर आप हटाएंगे तो देखेंगे साइड पे घी आपको तैरता हुआ नज़र आएगा, ये इससे पता चलता है कि बेसन हमारा भून चुका है। लीजिए बेसन हमारा भून चुका है, गैस को एकदम कम करेंगे अब, और इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से, और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। चीनी डालने के बाद गैस को थोड़ी देर कम ही रखें, और 2 मिनट चीनी डालने के बाद, भूनने के बाद में अब डालेंगे ये गरम दूध। तो मैंने इसलिए बोला था हैंडल वाला कोई भी जग या पतीला, ताकि आपके हाथ ना जले। सारा दूध हम डाल देंगे इसमें, और गैस को तेज करेंगे अब, फुल आंच के ऊपर इसको पकाना है। जैसे ही हमारा दूध सूख जाए, हलवा हमारा गाढ़ा हो जाए, गैस को फिर से कम करेंगे। अब डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट, ये बारीक कटे हुए बादाम, थोड़े से बचा लेंगे ऊपर से डालने के लिए। इलायची पाउडर, बारीक कटा हुआ पिस्ता, ये भी थोड़े से मैं रख लूँगी, और अच्छे से अब मिक्स करना है इनको। लीजिए हलवा हमारा तैयार हो गया, गैस को बंद कर देंगे और निकाल लेंगे। लीजिए तैयार हो गया हमारा बेसन का हलवा, एंजॉय करें गर्मा गर्म। ऊपर से डालेंगे बादाम, पिस्ता, एंजॉय करें बेसन का हलवा।